हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब इसके अंदर हमारे पास एक छोटा सा डेफिनेशन सेक्शन बनता है जिसको लेकर के हम उसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहली चीज हमारे सामने यह आती है कि लाइट एक क्या ऐसा मीडियम है या कि लाइट क्या है जिसके कारण से हमारी लाइफ आज इतनी आगे बढ़ी या पॉसिबल है। तो सबसे पहली चीज ये आती है हमारे सामने पूरे वर्ल्ड वाइड हमको बहुत सारी चीजें की बहुत सारी वैरायटीज दिखती हैं। इन वैरायटीज को देखने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है। सपोज हम नाइट मोड की इमेजिन करते हैं, जैसे कि रात की बात करते हैं, तो रात में अगर हमको किसी भी चीज को देखना है या फिर हम कहीं किसी डेंस फॉरेस्ट में जा रहे हैं, किसी केव में जा रहे हैं, वहां पर हमको किसी चीज को सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? लाइट की। तो लाइट सिंपल सी वे में हम बात कर सकते हैं कि कोई भी चीज, किसी भी चीज को हमको अंधेरे में या फिर डार्क रूम में या फिर किसी प्लेस पर देखना है और जो मीडियम हमको अवेलेबल होता है जिसके कारण हम उस चीज को देख पाते हैं, हम उसी को हम क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। तो लाइट इज अ मीडियम विच इज अनेबल टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब लाइट ऐसा मीडियम है जो हमको हमारे आसपास की या चीजों को देखने के लिए हमको क्या करता है? एबल करता है, या फिर हम इसको इजीली देख सकते हैं। फिर यहाँ पर दूसरी चीज आती है, यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं चैप्टर के नाम में, दो वर्ड छिपे होते हैं, लिखा हुआ रिफ्लेक्शन, दूसरा दे रखा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर आपको ये बताना है कि ये चीज क्या है। रिफ्लेक्शन ऐसी चीज है जिसके कारण से कोई भी चीज है, लाइट है, वो किसी से टकरा करके वापस आती है। सपोज हम मिरर के सामने खड़े हैं, मिरर के सामने हमने क्या कर दिया, किसी टॉर्च को जलाया या फिर लाइट को जलाया। जिस लाइट को जलाने पर क्या होगा, वो लाइट है वो तुरंत टकरा करके हमारे सामने वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, लाइट वहां पर जाने के बाद कितनी जगह पर फैल गई। दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, बाउंसिंग डेयर ऑफ द लाइट, मतलब लाइट का टकरा करके वापस आना, वो रिफ्लेक्शन कहलाता। और रिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, स्प्रेडिंग, मतलब लाइट का क्या हो जाएगा, बिखर जाना। तो ये अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मून का ब्राइट होता हुआ दिखना, रात को चमकते हुए दिखना, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, ठीक है। या फिर कोई भी कॉमन मिरर जिसके सामने हम खड़े रहते हैं और खड़े रहने के बाद हमको हमारी इमेज इजीली दिख रही है, ये सभी क्या है, लाइट का ही एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ कंसेप्ट हैं कि क्या ये सभी चीजें हैं, तो उसके अंदर अच्छी शेडो कैसे दिखेगी, या ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, ओपेक मीडियम क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर दो चीजों की ओर बात आ रही है, एक तो ट्रांसपेरेंट मीडियम और एक होता है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते, यानी कि जो हम मिरर यूज करते हैं वो ओपेक होता है, जिसमें हमारी इमेज वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है। और ट्रांसपेरेंट वो होता है नॉर्मल ग्लासेस, जिससे कोई भी चीज एक जगह दूसरी जगह जिसके हम आर पार देख सकते हैं थ्रू आउट, वो हो जाएगा आपका ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पर सबसे पहला कंसेप्ट दे रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर सबसे आपका पहला पॉइंट आएगा जिसके अंदर आपको समझाना है कि ये क्या है, ये कौन से रूल्स पर काम करता है, इसके अंदर क्या क्या रूल्स फॉलो करेंगे। तो रिफ्लेक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, बाउंसिंग बैक, बाउंस बैक ऑफ द लाइट, ऑफ द लाइट इज कॉल्ड, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर आपको अलग अलग चीजें बतानी कि अगर लाइट है वो किस जगह से टकरा करके रिवर्स आती है तो ये आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी अगर आपका नॉर्मल ग्लास है, कोई भी ग्लास है, किसी भी टाइप के मिरर की या लेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास नॉर्मल ग्लास है उसको हम क्या करते हैं, अगर हम उसको पेंट कर देते हैं। देखो दोस्तों, ग्लास से हम मिरर कैसे बनाते हैं वो आपको देखना है कि अगर नॉर्मल ग्लास जो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट में अगर हम एक साइड का शेडो है उसको क्या कर देते हैं, अगर पॉलिश कर देते हैं, ये क्या करा आपने, पॉलिश करा, तो पॉलिश करने पर ये क्या बन जाएगा, आपका मिरर बन जाएगा। मींस दोनों तरीके से आपको डिफरेंस पता पड़ जाएगा कि ग्लास क्या है और मिरर क्या है। तो ग्लास के अंदर थ्रू आउट हम देख सकते हैं और मिरर के अंदर हम क्या करेंगे, थ्रू आउट नहीं, मतलब वहां से रिफ्लेक्शन आएगा, यानी कि ज्यादातर चीजों के लिए ये रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो हाईली पॉलिश सर्फेस हमको यूज देनी पड़ेगी, जिसके कारण से क्या हो सके, मिरर बन सके। यहां पर रिफ्लेक्शन के कुछ रूल आएंगे जिसको फॉलो करने पड़ेंगे अपने को, जिसके कारण से लाइट है वो, लेट अस रिकॉल। अब इसको इसके बारे में देखते हैं। अब
मान लो हमारे पास कोई भी एक छोटा सा प्रैक्टिकल, इसके अंदर हमारे पास कुछ कंडीशंस आएंगी, कोई भी लाइट है वो तो अगर आप किसी मिरर के ऊपर डालते हो तो एज इट इज एंगल से आपकी तरफ वापस आएगी, मतलब आपने जिस एंगल से उसको इंक्लाइंड किया है वो उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। सपोज कोई मिरर है वो नॉर्मल सरफेस पर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मिरर है, ठीक है, तो मिरर के अंदर मान लो आपने इसको सरफेस पे रखा है, तो आपने क्या करा है, यहां पर आपका कोई भी मीडियम है तो यहां से आपकी लाइट अगर जाती, ठीक है, तो सपोज कोई भी लाइट का मीडियम है जो यहां से जाएगा, जैसे ही ये लाइट यहां पर सरफेस पर आकर के गिरेगी तो ये हो जाएगा इंक्लाइंड एंगल, इंक्लिनेशन, ठीक है, इंक्लाइन एंगल, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा यहां से ये लाइट है वो टकरा करके वापिस से ऐसे जाएगी, तो ये आपका मीडियम हो जाएगा, रिफ्लेक्शन का एंगल हो जाएगा। दोनों तरीके से आपको देखना है, एक तो हो जाएगा इंक्लिनेशन एंगल और एक दूसरा हो जाएगा रिफ्लेक्शन, और तीसरा होता है जो लाइट यहां पर आएगी उसको हम कहते हैं नॉर्मल। ये आपको तीनों चीजें ध्यान से देखनी पड़ेगी, तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल आई मतलब एंगल आई मतलब हो जाएगा इंक्लिनेशन एंगल और एंगल आर इज इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये आपका पहला रूल है वो डिफाइन करता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक में आपको ये दे रखा है कि रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रूल नंबर वन। एग्जाम में आपको डायरेक्ट सीधा सिंपल सा प्रश्न पूछा था, व्हाट आर द रूल्स लॉज फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, तो आपको सबसे पहली चीज बतानी है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड वाला ये बताना है इंक्लाइंड रे, ठीक है, ये इंक्लाइंड रे, उसके बाद लिखना है आपको रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही जगह पर, देखो आपको एक जगह पर दिख रहा है, तो सेकंड पॉइंट अगर आप उस पॉइंट को अच्छे समझ लोगे तो आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर आपको डीपली ज्यादा जाना नहीं पड़ेगा, सिंपल वे में पूछा जाएगा कि राइट द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, तो आपको लिखना पड़ेगा द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट मतलब जो रेज हमने यहां से शुरू की वो इंसिडेंट रे, दूसरे को बताना है इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द मिरर, जो नॉर्मल होता है वो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो एक ही जगह पर पाए जाएंगे इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड, मतलब ये नॉर्मल, ये पॉइंट हो गया आपका इंसिडेंट जहां पर ये आ रहा है, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड रे, रे आर ऑन, ये क्या हो जाएंगे, सभी क्या हो जाएंगे सेम प्लेन में लाई करेंगे, आर लाई ऑन सेम प्लेन, ये आपको बताने की सभी से क्या होते हैं सेम प्लेन पर नहीं होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्शन का के दोनों लॉज हो जाएंगे। फिर अभी हम बात करते हैं कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको चलाना कैसे, यानी कि आप जिस एंगल से मिरर को रखोगे उसी एंगल से आपकी लाइट है वो धीरे धीरे, सपोज आप किसी मिरर के सामने खड़े और मिरर के सामने खड़े होकर अगर आप टॉर्च लगाते हैं तो सीधी सी लाइट आपके सामने तुरंत आ जाएगी, मीन्स ये हो जाएगा जिस एंगल से आपने उस लाइट को वहां पर इंक्लाइन किया है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगी। दूसरी कंडीशन में अगर आप मिरर को सरफेस पर रखते हो और किसी एक जगह से हम क्या करते हैं उसको लाइट डाल करके उसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा जिस एंगल से लाइट जाएगी उसी एंगल से वो क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के आगे निकल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इंक्लाइन रे नॉर्मल और रिफ्लेक्शन आर ऑन द सेम प्लेन, मतलब तो आपको दो रूल्स आपको ध्यान रखने हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एंड द पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, ये सभी क्या होते हैं एक ही प्लेन पर
होते हैं। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स मतलब मिरर्स के अंदर आपके दो टाइप आ जाएंगे, एक आ जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर आ जाएगा और एक आ जाएगा कॉनकेव मिरर। तो हम इसके बारे में भी देखेंगे धीरे धीरे। अगर पहले हम ये देखेंगे वो बनते कैसे, फिर उसके बाद हम इसके डीपली उसका जो भी डिस्क्रिप्शन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो फिर भी थोड़ा बहुत आगे पीछे लग रहा है तो उसको वापस से रिवाइज करके देखें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, और नहीं गया तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आपको कौन सा पॉइंट है वो वीक पड़ रहा है उसको हम आगे और फर्दर डिस्प्ले उसको अच्छे से आगे एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। तो अब हम धीरे धीरे उस पॉइंट पर जा रहे हैं जहां से आपका मिरर है वो बनना शुरू होता है, ठीक है फ्रेंड। तो हम सबसे पहली बात करते हैं अब इसके अगले पॉइंट की तरफ चलते हुए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब हो जाएगा स्फेयर फॉर्म में होगा और दूसरा होगा कि उसको हम बनाएंगे कैसे। सपोज आपके पास एक कोई भी बड़ा सा सर्कल है, क्योंकि स्फेरिकल मिरर का नाम दिया गया इसलिए हम सर्कुलर फॉर्मेट से इसको डिफाइन करना शुरू करेंगे। अगर अब आप मैंने आपको बोला कि यहां पर दो टाइप के मिरर है, एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉनवेक्स मिरर। तो हम मान लो इसको एक जगह से कट करते हैं, और अगर कट करने के बाद अगर हम इसकी आउटर सरफेस पर अगर पॉलिश करते हैं, कौन सी सरफेस पर, आउटर सरफेस पर, और इंटरनल साइड पर अगर आपके हम पॉलिश नहीं करते हैं तो इट्स लुक लाइक अ केव। कैसा दिखेगा, जहां पर केव मतलब जहां पर शेर रहता है, तो केव मतलब क्या हो जाएगा, बस केव आपको याद रहेगा तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है कौन सा मिरर कहलाएगा कौन के। सिंपल सी बात है, ये अंदर साइड के व्यू में हम क्या करते हैं पॉलिश नहीं करते, तो ये हो जाएगा आपका कौन के मिरर, क्लियर फ्रेंड्स। और दूसरा आपको देखना है कि अगर हम एक सर्कल फिर से इसी तरह के स्फेरिकल मिरर लेते हैं और अगर हम उसको एक जगह से कट करते हैं, और कट करने के बाद अगर हम इसका इंटरनल जहां पर के जैसा फॉर्मेट बनता है वहां पर अगर हम पॉलिश करते हैं और अगर ये बाहर साइड का देते हैं तो ये आपका बाहर साइड का हो जाएगा कॉनवेक्स मिरर। ओके फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। अभी हम इसके बारे में और आगे डिस्कशन करेंगे ताकि आपको इजीली वो समझ में आ जाए। तो आपको मिरर दोनों टाइप के कैसे बनते हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम बात करेंगे कि ये मिरर्स से वो कहां कहां आते हैं, साथ में इनसे बनने वाली इमेजेस कैसी होती हैं, इनके अंदर से हम अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो सरफेस दे रखी है आपको बुक के अंदर उसके अंदर हम देखते हैं कि अगर इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को क्या क्या कहा जाता है। सबसे ज्यादा जानकारी इसके बारे में लेनी जरूरी है कि अलग अलग कंडीशंस में किनको क्या कहा जाएगा। तो आप लोग समझ गए कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में क्या फर्क है। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या हो जाएगा, जो पॉलिश्ड है वो आपका बाहर साइड से है वो आपका हो जाएगा कॉनकेव, और जो अंदर साइड से दिख रहा है वो आप उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर कुछ नई चीजें हैं आपको पढ़ने में, नए कीवर्ड्स आने वाले हैं, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये सभी के बारे में हम इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला यहां पर पॉइंट है स्फेरिकल मिरर के अंदर वो हम बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इसके अंदर हम अलग अलग पॉइंट्स के बारे में देखते जाएंगे तो अभी आपको पता पड़ेगा डेफिनेशंस कैसे आने वाली है आगे। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है इसके अंदर डिस्कशन अबाउट द स्फेरिकल मिरर सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। जहां पर स्फेरिकल मिरर का जो कोई भी सेंटर बनता है, ठीक है, उस सेंटर को हम कहा क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मिरर, जो भी सेंटर ऑफ मिरर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। फिर यहां पर हम बात करते हैं आगे जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स इसकी अलग अलग कैसे बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द पार्ट ऑफ द स्फेयर। अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये पूरी तरह से यहां पर मान लो यहां से यहां तक का आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एरिया हो जाएगा, ये जहां से लाइट टकरा करके आगे जाएगी, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जो आगे धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड
रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सिंपल भाषा में आपको बुक के अंदर वही बात है, कर्वेचर ही लिखा रहेगा, ठीक है, हम उसको कर्वेचर कहेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा कि अगर हम इसका आउटसाइड और इनसाइड दोनों साइड में देखते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगी, कोई अलग अलग स्ट्रेट लाइन अगर अपन फॉर्मेशन करवाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट आएंगे। मान लो हम किसी दोनों अलग अलग सरफेस को लेकर के कोई भी लाइट को इमिट करवाते हैं और कुछ ऐसा है, दोनों अलग अलग मिरर से आपको बता पड़ेगा फ्रेंड्स ये कौन सा मिरर है, ये है आपका कॉनकेव और ये आपका कौन सा हो जाएगा कॉनवेक्स। तो अगर हम यहां पर लाइट अगर हम शो करते हैं, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन आ गई, अगर हम ठीक है यहां से अगर अपन लाइट इमिट करते हैं तो लाइट क्या हो जाएगी, टकरा करके एक फिक्स पॉइंट पर आनी शुरू हो जाएगी। तो इसके कारण से आपकी किस तरीके की इमेज है वो बननी शुरू होंगी, इसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। अब धीरे धीरे अपन इमेजेस के ऊपर जाना शुरू करेंगे और यहां पर अगर हम लाइट इमिट करते हैं तो वो लाइट क्या हो जाएगी, टकरा करके क्या हो जाएगी, किसी और जगह पर उसको लाइट फैला देगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक पॉइंट पर लाना शुरू कर देगी। हम इसको और आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कुछ चीजें जाननी जरूरी है, जिसे हम मिरर के लिए बनाएंगे या फिर लेंस के लिए बनाएंगे, तो उसमें हमको एक चीज इम्पोर्टेंट है, कुछ डेफिनेशन होती है, उन डेफिनेशन को अगर हम लोग ध्यान से समझ लेंगे तो हमारे लिए बनाना आसान हो जाएगा। मान लो हम कोई भी मिरर ले रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पर एक मिरर लिया, आप लोगों को पता पड़ गया जहां पर ये चीज मैं पॉलिश कर रहा हूँ मतलब वो कौन सा टाइप का मिरर है, तो यस आपने सही डिटरमाइन किया ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये आपका। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ डेफिनेशंस के लिए ज्यादा जरूरी ये होता है कि कौन सी चीज कहां से होकर के जाएगी और उसको जानना जरूरी है। अब यहां पर ये ओ ले लिया हमने, ओ क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। फिर यहां पर हमारे पास होगा फोकस और एक होगा सी मतलब कर्वेचर। तो ये सभी चीजें हैं क्या, इनको हम डेफिनेशन से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये हो जाएगा आपका कर्वेचर, ये कर्वेचर हो गया, फिर पोल हो गया और प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं पोल या फिर ओरिजिन। अब एक नया वर्ड भी ध्यान रखेंगे ओ। तो यहां पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सबसे पहला चीज प्रिंसिपल एक्सिस, ये आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर ले क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि एग्जाम में कभी कभी डेफिनेशन पूछ जाती है और डेफिनेशन नहीं भी पूछी जाए तो अगर हमको डेफिनेशन के बारे में अच्छे से पता लगे उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिए। सेकेंड नंबर आएगा पोल, थर्ड आएगा आपका प्रिंसिपल फोकस या फिर उसको फोकस लिखेंगे तो भी चलेगा, क्लियर। फोर्थ आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद हम देखेंगे कि रूल्स क्या होते हैं इमेज को बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज ये देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या क्या बनेंगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन कोई भी मिरर या लेंस उसके बीच में से होती हुई लाइन जो गुजरती है या वहां से पास होकर जा रही है, ठीक है। तो इसको हम इसी डेफिनेशन में लिखेंगे, इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सर्फेसेस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब कर्वेचर नाम का वर्ड आगे वो कहा है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब इसको आगे पीछे करते कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक साथ डेफिनेशन याद करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता पड़ जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सर्फेसेस, दो अलग अलग सर्फेसेस का मतलब हम इसको ऐसे बांटे और ऐसे काटे तो क्या हो जाएगा ऑफ टू सर्फेसेस, उनके बीच में से होकर के निकलने वाली लाइन, क्लियर। अब हम बात करते हैं पोल, पोल क्या है, सेंटर ऑफ पॉइंट
ऑफ लेंस और मिरर जो हम यहाँ पर सेंटर बनाएंगे। पर्टिकुलर क्या करेंगे, अब जब हम ये ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ मिरर, साथ साथ हम लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे इसलिए, या फिर लेंस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, पोल। नेक्स्ट देखो अगला क्या दे रखा है, प्रिंसिपल फोकस, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच लाइट रे कमिंग पैरेलल, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस ऑन विच लाइट रे कमिंग पैरेलल, कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टू एक ऐसी लाइन जो क्या हो जाएगा, अगर यहां से लाइन कोई भी लाइट रे जाती है और वो यहां से होकर जाएगी तो क्या हो जाएगा, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द, वो अगर यहां से होकर जाएगी उसके पैरेलल बनेगी, ये आपको याद रखना है। और अगला है, इट इज द अगला सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर हुज सरफेस इज फोम, ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर, हुज सरफेस लेंस फॉर्म, ठीक है, जिससे इसका सरफेस का पार्ट बना हो, ठीक है, हुज सरफेस, अब ये जो पार्ट होगा इसको लेकर क्या होगा, इसको बनाने में मदद करता है, ठीक है, हुज सरफेस लेंस फॉर्म द पार्ट, जो पार्ट बनाने में मदद करता है। तो ये यहां पर आपका कुछ बेसिक डेफिनेशन वाला सेगमेंट है वो अब खत्म हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है। इमेज फॉर्मेशन के लिए चार रूल होते हैं, वो आपका लेंस में भी वही आएगा और मिरर में भी वही आएगा, वो आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपको खाली बेसिक डेफिनेशन के अलावा फिर भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहां पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर हम भूल जाते हैं कि इसको हम क्या, हमने अगर पहले सी पहले लिख दिया, एफ पहले लिख दिया तो क्या होगा। तो सबसे बढ़िया एक ही ट्रिक है, आपको अल्फाबेट्स आते होंगे तो आप लोग अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसको लिखना शुरू करें, ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। देखो अल्फाबेट में सबसे पहले सी आता है, उसके बाद एफ आता है, उसके बाद ओ आता है, उसके बाद पी आता है। तो आप सबसे बेटर तरीका यही है कि हम अल्फाबेट्स के बेसिस पर इसको याद रखें। नेक्स्ट चीज आपकी शुरू होगी जिसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे, इमेज फॉर्मेशन, इमेज को कैसे बनाया जाएगा, मिरर के अंदर इसको हम बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए भी आपके पास क्या होंगे, चार रूल्स होंगे, इन चार रूल्स के ऊपर ही ये सारा चलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको डेफिनेशन वगैरह अगर लिखनी हो या फिर पढ़नी हो तो आप उसको वीडियो को पॉज करके या फिर रिवाइज करके देख सके। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे अगर आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। और यस, वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि क्या हो जाएगा, जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाएगा या फिर आपकी प्रॉब्लम क्लियर करेगी या एग्जाम टाइम में कोई प्रॉब्लम आएगी उसको लेकर के हम उसको डिस्कशन और भी कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, या फिर इसको हम नॉर्मल बोलते हैं रे डायग्राम, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, या फिर रे डायग्राम के लिए क्या रूल्स हैं।
तो इसके लिए आपके पास हमने क्या करें, चार पॉइंट डिसाइड किए हैं, उन चार पॉइंट्स के बेसिस पर इसको हम क्लियर करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला लॉ, इसके अंदर इसको पढ़ने से पहले हम लोग और भी चीज को डिस्कशन कर सकते थे, लेकिन अभी हम लोग सुनेंगे ताकि इसमें हम लोग को प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। तो साइन कन्वेंशन वाले रूल्स भी है इसके अंदर, वो हम इसके बाद में डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको इमेज बनाने बिल्कुल आसानी रहे। तो सबसे पहली चीज वो क्या आएगा, अगर कोई भी रे है, देखो इफ रे पैरेलल, देखो यहाँ पर कुछ कंडीशंस आएंगी, इन्फिनिटी आएगा, ऑब्जेक्ट कर्वेचर पर आएगा, फोकस पर आएगा, फोकस और कर्वेचर के बीच में आएगा, फोकस और पोल के बीच में आएगा, इस तरह की कंडीशन शुरू होंगी। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ कंडीशन आई, इसको कंडीशन को डिफाइन कैसे करेंगे, इफ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो, प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां पर अपने छोटा सा पॉइंट डाल देते हैं, पास थ्रू कहां से होकर के जाएगी वो रे है, वो कहां से होकर भी जाएगी, ये आपको लिखना है, पास थ्रू कहां से होकर भी जाएगी, फोकस, क्लियर फ्रेंड्स। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से होकर के जाएगी। सेकेंड पॉइंट, अगर अब लिखना है, इफ रे पासिंग थ्रू द फोकस, और अगर पासिंग थ्रू द फोकस होती है, मतलब इफ रे पासिंग थ्रू द फोकस, अगर फोकस से होकर, प्रिंसिपल फोकस लिखा, एक बार वर्ड लिखा तो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, पासिंग थ्रू द फोकस, तो ये क्या हो जाएगी, अगर यहां से जाएगी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर हम लिखेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर, यानी कि वाइस वर्सा, अगर फोकस से होकर के जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहां से जाएगी, फोकस से। ये दो पॉइंट्स आपको याद होंगे। फिर थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो क्या होगा, इफ रे पासिंग थ्रू, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब सी से जाने के बाद क्या हो जाएगी, हम यहां पर लिखेंगे रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सेम पाथ, उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, क्लियर। और लास्ट पॉइंट हमारा आ रहा है, ये आपके चार पॉइंट है, और आम आने सुनो बाप, लेंस के अंदर भी इमेज बनाने के लिए भी और मिरर के अंदर भी इमेज बनाने के लिए इनसे बेटर ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोगों ने चारों पॉइंट्स दिमाग में रख लिए तो आपकी सारी इमेज इजीली बन जाएगी। बुक्स के अंदर बड़ी बड़ी टेबल्स बना रखी है कि अगर इसको यहां पर रखा जाए तो उसके बाद इमेज कैसी बनेगी, इमेज कहां पर बनेगी, वो सभी चीजें इन चार पॉइंट्स पर ही डिपेंड है। इन चार पॉइंट को हम लोगों ने इजीली अगर कर लिया तो अब लास्ट पॉइंट है, और रे इंसिडेंट, अगर ये रे क्या होती है, ऑब्लिकली होती है, इंसिडेंट ऑब्लिकली, ओ बी एल आई टू यू ई एल वाई, ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा, जो मतलब किधर की तरफ जाएगी, टुवर्ड्स पोल, और ये जाएगी कहां पर, पहली बात तो ये टुवर्ड्स पॉइंट पी मींस पोल, तो क्या होगा, पोल पर जाएगी तो ऑन द मिरर, और पोल के ऊपर कहां जाएगी, मिरर, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये मतलब इसका एंगल आई, इंक्लिनेशन एंगल, एंगल
I is equal to reflected एंगल, जिसको हम इससे लिखते हैं एंगल आर, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। बस आपको ये चार पॉइंट याद रखने हैं और उसके ऊपर सारी हमारी पिक्चर्स में बनी हुई सारी इमेज फॉर्मेशन की कहानी इसके ऊपर ही टिकी हुई है। साथ साथ इसके अंदर हम लोग डेफिनेशन सेक्शन चल ही रहा है, साथ में एक और चीज देख लेते हैं कार्टेशियन एंगल और साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब इसके ऊपर ही आपके सारे डायग्राम एग्जाम में डायरेक्ट दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट को इनके बीच में रखा जाएगा बताओ कहां पर बनेगा, उसके बारे में हम भी इमेज बना करके डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। लेकिन ये डेफिनेशन सेक्शन ऐसा है जिसको अच्छे से ध्यान रखा गया तो इजिली काम हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, और ये अगर आपको होगा तो आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से पास होकर जाएगा फोकस से, अगर रे पास होती है फोकस से तो क्या हो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ रे पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड रे अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ से वो वापस चली जाएगी, और ऑब्लिकली अगर आती है तो क्या हो जाएगा, मैं एक छोटा सा डायग्राम के साथ साथ बना लेता हूं ताकि आपको इजीली याद हो जाए। मान लो ये आपका एज इट इज कंडीशन में ये आपका मिरर है, तो अगर ये पहली कंडीशन के लिए अगर ये पैरेलल होकर के जाती है तो यहां पर क्या है इधर सी है इधर एफ इधर ओ इधर पी है, प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जाएगी कहां से पास होगी फोकस से, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट पॉइंट के लिए, सेकंड पॉइंट में जैसा दे रखा हम इसी बात करते हैं, ये सेकंड पॉइंट के लिए आपका कैसा बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका एजी पीज आ गया, ये आपका मिरर आ गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये एफ है यहां पर सी है। आप लोग ऐसे वीडियो को पॉज करके देखो तो आपके डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको एज एग्जाम्पल के तौर पर इसको याद कैसे रखना है हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती, तो ये आपकी रे अब यहां पर आपको एरो ऐसा करेंगे इसका मतलब जहां से लाइट है वो निकल रही है, ये आपका एरो ऐसे आ गया, ये यहां पर टकरा देगी क्या हो जाएगी ऐसे हो जाएगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जैसा जैसा लिखा है वैसे ही हम कर रहे हैं। थर्ड दे रखा है कि अगर वो कर्वेचर से होकर के जाती है तो ये कर्वेचर से होकर के जाएगी तो रेस के अंदर क्या हो जाएगा ये देखो ये सी, अगर ये यहां से होकर के जाएगी तो ऐसे जाएगी ये यहां से गई ये उसी रास्ते से होकर के वापिस निकलेगी, और थर्ड वाले में ऑब्लिक लास्ट वाले में ऑब्लिक भी दे रखा, ऑब्लिक का मतलब आप जानते हैं अच्छे से कि अगर ये ओ पर आई तो ये टकरा करके ऐसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये साथ साथ ये चार डायग्राम ऐसे हैं जिनसे आपको इजीली याद हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा इस एफ को हटा करके यहाँ। क्लियर फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि उसको वीडियो को और अच्छा बनाने में उनको मदद मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये बहुत अजीब सा टॉपिक है थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, लेकिन क्या हो जाएगा उसको इसी तरीके से याद करेंगे और समझेंगे ताकि क्या हो जाएगा आपको छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं लॉजिकली जो थोड़े से घुमा करके दिए जाते हैं तो उनको भी हम इजिली क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मिरर के लिए भी सेम रूल लगेंगे और मिरर लेंस के लिए भी सेम रूल लगेंगे, आपको ये चार पॉइंट याद होने चाहिए, बाकी आप कौन सा भी डायग्राम इजिली बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में, तो जिसके अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं उसको हम इजीली पहले क्लियर कर पाएंगे उसको लेकर के ही, अगर ये आपको रूल्स पता है तो अब हम उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। हम इमेज फॉर्मेशन है वो अगले सेगमेंट मतलब अगले वीडियो में हम इजीली बनाना शुरू कर देंगे। तो पहले हम फिर से डेफिनेशन दे रखी है कुछ, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इसके अंदर चार रूल्स दे रखे हैं जिसको हम इजीली थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि यहाँ पर किस चीज को प्रिंसिपल एक्सिस आपको समझ गए होंगे, पोल क्या है, अब यहाँ पर एक नया वर्ड आने वाला हाइट, ऑब्जेक्ट जो रखा जाता है उसकी हाइट वगैरह काउंट करते हैं, जिसमें डिस्टेंस को अपन मेजर नहीं कर सकते उसको अपन बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक है इनफाइनाइट बोलते हैं,
तो यहाँ पर हम लोगों ने उसको इनफाइनाइट लूप बना दिया है। मान लो यहाँ पर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसकी क्या होती है, हाइट होती है। यहाँ पर आ जाएगा आपका हाइट। इस हाइट को हम दोनों तरीके से मेजर करेंगे, ऊपर की तरफ हमेशा पॉजिटिव होगी और नीचे की तरफ नेगेटिव होती है। कभी भी कोई भी डिस्टेंस वगैरह होता है, मान लो आपको किसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, आपकी गाड़ी का ऑडोमीटर है वो क्या हमेशा पॉजिटिव बताएगा या नेगेटिव बताएगा, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वही रूल्स आपके यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर इसने कुछ कंडीशंस दे रखी, तो उसको लेकर के हम इजीली थोड़ा सा चलना शुरू करते हैं। तो आपके पास सारे हाइट्स वगैरह यहाँ पर पॉजिटिव हाइट आएगी, ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर कौन सी आएगी, नेगेटिव हाइट आएगी। ये आपका छोटा सा एक पॉइंट है। तो यहाँ पर अब रूल्स शुरू होते हैं जिसको हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, जो भी आपका पोल होगा, ठीक है, सारे डिस्टेंस है वो कहां से मेजर होंगे, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं उसको हम क्या करेंगे, आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, इसको पोल से मेजर करेंगे फ्रॉम पोल। ये आपका पहला रूल, यानी कि हमारा ये इनिशियल पॉइंट है जहां से हम किसी भी डेस्टिनेशन पर जाना शुरू करेंगे। सेकंड दे रखा है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, मिरर के लेफ्ट साइड में अगर रखते हैं, यानी कि अगर मैं ऐसे कर देता हूं यहां इसका लेफ्ट है, ठीक है, तो इफ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड प्लेस्ड लेफ्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो लेफ्ट टू द मिरर, अगर इसको मिरर के लेफ्ट में रखा जाता है, एंड दस द इंसिडेंट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट, ये भी क्या होगी, आपके लेफ्ट ही साइड ही बनी फ्रॉम द लेफ्ट। ये आपका रूल नंबर सेकेंड। थर्ड नंबर के रूल में आपको क्या डिस्कशन करना है वो देखो। अब यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस से लेफ्ट साइड में होंगे वो आपके एक्स एक्सिस में होंगे और इधर साइड में हो जाएंगे वो, यानी कि हम लोग जो छोटा सा एक्सिस का रूल्स जानते हैं, यहां पर एक्स एक्सिस और यहां पर, तो यहां पर एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यहां पर कैसा आता है, ये हम बेसिक जानते हैं, वही बेसिक इस थर्ड नंबर के पॉइंट में लिखना है। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन, कौन से एक्सिस के साथ में, अलोंग एक्स एक्सिस, वो सारे क्या जाएंगे, नेगेटिव, मतलब इस तरफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, आर नेगेटिव, इसका डिस्टेंस हम कैसे लेंगे, मतलब डिस्टेंस क्या उसको नेगेटिव साइन के साथ में लेंगे, और जो राइट हैंड साइड पर है, एंड राइट साइड टेकन एज पॉजिटिव, तो अगर इस साइड हम आएंगे किस साइड किस तरफ हो जाएगा, कौन सा साइन आ जाएगा उसके अंदर, पॉजिटिव आ जाएगा, क्लियर। अब लास्ट पॉइंट है, हाइट्स की बात करते हैं, अगर हम एक्सिस के बारे में फिर से नॉलेज रखते हैं, तो ये ऊपर की तरफ है वो वाई एक्सिस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो बस वही चीजें आपको याद रख करके यहाँ पर लिखनी है। कुछ भी कठिन सा ऐसा कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा
हाइट्स मेजर्ड, ये लास्ट टॉपिक है आपका, मतलब लास्ट पॉइंट है डेफिनेशंस का, हाइट्स मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव मीन्स ये क्या हो जाएगा अलोंग वाई एक्सिस, और अगर अपन नीचे की तरफ जाते हैं मतलब ये अबव है, अब क्या हो जाएगा बिलो, और हाइट्स मेजर बिलो, ठीक है, बिलो होते ही क्या होता है नीचे की तरफ जाएंगे, और नीचे की तरफ कैसा होता है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर एक्सिस आर टेकन नेगेटिव, ठीक है, अलोंग एज इट इज रूल्स आपको लिखने हैं वाई एक्सिस, तो आपको अच्छे से एक्स और वाई एक्सिस के बारे में पता पड़ेगा फ्रेंड, तो ये आपके साइन कन्वेंशन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के रूल है, सभी डिस्टेंस पॉजिटिव लिए जाते हैं, जो कि कहां से मेजर किए जाएंगे, पोल से मेजर किए जाएंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड मिरर पे रखा जाए तो उसको इंसिडेंट रेज जो बनेगी वो भी इस तरफ आएगी, वापिस टकरा करके भी लेफ्ट साइड आएगी। थर्ड पॉइंट ये दे रखा है कि अगर हम ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड उसके ओरिजिन की तरफ चलेंगे, तो एक तरफ तो आपका नेगेटिव आ गया, एक एक्सिस को फॉलो कर रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, और एक राइट साइड का एलिमेंट कौन सा हो जाएगा पॉजिटिव, और हाइट जो की ऊपर होगी आपकी नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ जो होंगी वाई एक्सिस के साथ में हो जाएंगी वो आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी, और अभी हो जाएंगी वो मतलब नीचे की तरफ हो जाएंगी वो कौन सी हो जाएंगी नेगेटिव हो जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इमेज फॉर्मेशन हम शुरू करेंगे, याद रहे फ्रेंड्स को चार रूल्स जो मैंने लिखवाए हैं इसके पहले, तो रे डायग्राम के रूल्स को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही उस वीडियो को देखें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा।